Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and I am your maths teacher. Today is 19th May 2021. Class 4, grade number 1 hai, numbers and arithmetic operations. Aaj ke lecture mein hum ek new exercise start karne ja rahe hain. Exercise number hai 1E. Okay beta, ye aapke is saal jo hai book mein new edition ke saath ye new exercise aayi hai, theek hai? To 1E aapke paas booklet mein bhi maujood hogi definitely, theek hai? To aapka book ka page number kya hai? 19 and 20. तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1 ए कंप्लीट आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे. ध्यान से सीखिएगा, बहुत बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है. फाइंड द रूल, आपने रूल फाइंड करना है, देन फाइंड द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स. अब ये नंबर्स एक पैटर्न में लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस में. आप इसके नेक्स्ट टू नंबर्स भी फाइंड करने हैं और देखना है इनमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि किस सीक्वेंस के तहत, किस रूल के तहत ये नंबर्स आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखिए, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट टू नंबर्स क्या होंगे. अब सबने देखे 2, 2 प्लस हो रहा है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 प्लस 2 12, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12, 12 प्लस 2 14, मतलब यहाँ 14 आएगा. सो सिंपल. और रूल क्या आया, सबके अंदर एड 2 हो रहा था, इस वजह से ये नेक्स्ट टू टर्म्स 12 और 14 बनी, ठीक है. अब बी पार्ट, 6, 9, 12, 15 और नेक्स्ट टू टर्म्स आपने मालूम कर दिए. अच्छा, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो गौर से देखिए इसमें सभी 3, 3 प्लस हो रहा है. 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 27. और रूल क्या हुआ, सबके अंदर 3 प्लस हो रहा था, यानी कि 3 ऐड हो रहा था, ठीक है. आसान से क्वेश्चन है, सो सिंपल बेटा. सी पार्ट, 25, 20, 15, 10. अब देखिए 5, 5 नंबर्स ना कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं. 25 में से 5 माइनस किया 20, 20 में से 5 माइनस किया 15, 15 में से 5 माइनस किया 10, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0. और कौन सा रूल हमने इसके अंदर फॉलो किया, सबके अंदर सब्ट्रैक्ट किया 5, सभी क्या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जी हाँ, 5, 5 कम होता जा रहा है, 5, 5 माइनस करते जा रहे हैं. और डी पार्ट देखिए, 11, 22, 33, 44, सबके अंदर 11, 11 प्लस हो रहे हैं ना. 44 प्लस 11 55, 55 प्लस 11 66. तो रूल क्या लगा इसमें, सबके अंदर क्या चीज प्लस हो रही थी, 11. तो हम क्या रूल लिखेंगे, एड 11. ठीक बेटा, आई होप आपको बिल्कुल इजीली आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूल एंड राइट द मिसिंग नंबर. आपने किधर रूल देखना है, रूल कौन सा लग रहा है और मिसिंग नंबर भी फाइंड करनी है. अच्छा, गौर से देखिए, 16, 21, 26 सबके अंदर 5, 5 प्लस हो रहा है. 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 6 26, सॉरी सबके अंदर 5, 5 प्लस हो रहा है ना. 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 5 31, 31 प्लस 5 36, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 36 प्लस 5 41. तो रूल क्या था, सबके अंदर 5, 5 प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था. सो सिंपल. अब है नेक्स्ट बी पार्ट, 4, 8, 16, 20, 28, सबके अंदर 4, 4 प्लस हो रहा है. देखिए इसमें 4 प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब सब में 4 प्लस होगा. तो रूल क्या लगेगा, 4 ऐड करना है, सब में 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28, वो तो ऑटोमेटिकली लिखा होगा. बी पार्ट आपको समझ आ गया होगा. अब सी पार्ट देखिए, -50, 45, -35, 30. अब देखिए इसमें देखिए तो 5 माइनस हो रहा है, और इसमें भी देखिए तो 5 ही माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रूल पता चल गया कि इसके अंदर सबके अंदर 5, 5 आपको माइनस करना है. तो रूल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 5. अच्छा, इसमें क्या वैल्यू लिखे जिसमें 5 माइनस करें 50 आता हो. जी हाँ, 55, 55 माइनस 5 50, 50 माइनस 5 45, 45 माइनस 5 40, और 35 और 30 आ जाएगी लास्ट, ठीक है. अब ये डी पार्ट, 27, 24, -18, 15, -, 27 के बाद 24 कैसे आया होगा, जी हाँ, -3 करने से. और 18 में से 15 कैसे आया होगा, 18 के बाद 3 माइनस करने से. तो इसका मतलब इसके अंदर क्या रूल पैटर्न फॉलो हो रहा है, रूल सबके अंदर सब्ट्रैक्ट 3 किया जा रहा है, यानी कि 3, 3 माइनस हो रहा है. तो आप ही माइनस कर दें, 27 माइनस 3 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3
15. 15 minus 3, 12. 12 minus 3, 9. ठीक है, तो ये फिर का मैथ्स में आएगा 21, 12 और 9, सबके अंदर 3 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए। ओके बेटा, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1 की कंप्लीट, इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने सबकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपना मसाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।